नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, तो हौसलों ने मंजिल की आंखों में आके डाल के बोला चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। दोस्तों आज आपने ये साबित कर दिया होगा, आशा करता हूं जो बच्चे सीएस कांस्टेबल ट्रेड्समैन का एग्जाम दे कर आए अभी, उन बच्चों का पेपर अच्छा हुआ होगा। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो के अंदर सीएस कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2023 की, कटऑफ क्या जा सकता है वो चीज बात करेंगे, एंसर की कब तक आ सकते, सबसे कौन सी ट्रेड की सबसे ज्यादा कटऑफ जा सकती है, और अभी कितने परसेंट बच्चों ने एग्जाम दिए, नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, वो चीज मैं आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल से बताने वाला हूँ। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों, ताकि हर एक कैंडिडेट के पास एक मैसेज पहुंच जाए भाई यहाँ सीआई सब कांस्टेबल ट्रेड्समैन की सेपरेट स्कोर आपके सामने आ चुका है। चलो दोस्तों बात कर लेते हैं, एक हम बात कर लेते हैं इसमें आपको पेपर का लेवल कैसा था वो भी हम बात कर लेते हैं, पेपर का लेवल ठीक है, ये भी हम बात कर लेते हैं मेरे दोस्तों। सबसे पहले पेपर की लेवल की बात करूं, जैसा मैंने बोला था दोस्तों वैसा हुआ ना, एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन और ड्राइवर का जिन बच्चों ने पेपर निकाला है या पेपर जिन बच्चों ने दिया है उसके लिए ये पेपर भाई बहुत ही बेस्ट साबित होने वाला है। क्यों हुआ मेरे दोस्तों मैं बताऊं आपको, एसएसबी ट्रेड्समैन और ड्राइवर की जो पेपर दोनों थे उनमें से आपके 23 क्वेश्चन हुबहू सेकंड बारी सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन है, आज फर्स्ट वाले में एचएम बता और जो ट्रेड्समैन आपका सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का हुआ उसमें आए, 23 क्वेश्चन बहुत बड़ी रोल अदा करते, दो पेपर आपको निकाले थे 200 क्वेश्चन में से 23 क्वेश्चन, मतलब एज इट आपके 10% क्वेश्चन आपके सामने थे, 13% ले लो आप, ठीक है ना, मतलब ये बहुत बड़ी बात है मेरे दोस्तों, बहुत बड़ा रोल अदा करता है यदि आपने ट्रेड्समैन का पेपर निकाला होता तो आज आपके सामने बहुत बड़ा ये फायदा साबित होता। चलो बात करते हैं मेरे दोस्तों आगे की, चलो निकाला कि नहीं निकाला, अच्छा आपका पेपर होगा क्योंकि आपकी तैयारी इतनी जबरदस्त थी, क्योंकि हर एक बच्चा अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए एग्जाम दे कर आया, हर एक बच्चा अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के साथ साथ अपनी कुछ ख्वाहिशों को लेकर एग्जाम दे कर आया, क्योंकि आपने फिजिकल पास किया, फिजिकल में बंदे फेल हुए, ट्रेटेस्ट में फेल हुए, आप पास हुए तभी तो आप एग्जाम देने का मौका पड़ा ना आपका। चलो बात कर लेते हैं पेपर का लेवल में, बताओ आपका पेपर का लेवल नॉर्मल था, कोई दिक्कत नहीं पेपर के लेवल में, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है, पेपर के लेवल में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पेपर का लेवल अच्छा खासा लेवल था, ठीक है। बात करें यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, तो नॉर्मलाइजेशन आपका नहीं होगा मेरे दोस्तों, क्यों नहीं होगा नॉर्मलाइजेशन में बताओ आपको, एक से अधिक शिफ्ट में एग्जाम होने पर आपके नॉर्मलाइजेशन होता है, एक से अधिक शिफ्ट में एग्जाम होने पर नॉर्मलाइजेशन होता है, ट्रेड्समैन का आपका एक ही शिफ्ट में एग्जाम था, एचसीएम का 4 शिफ्ट में एग्जाम था उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, बल्कि शिफ्ट में आपका कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, तो ये अपने दिमाग से निकाल देना नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है, और जो बोल रहा है वो भी गलत आपको बता रहा है, गलत राय आपको दे रहा है, ठीक है। कितने परसेंट बच्चों ने एग्जाम दी था मैं बता दूं आपके 98% बच्चों ने यहाँ पर उपस्थित थे, क्योंकि आप भाई जाहिर सी बात आप फिजिकल करके आए हो, आप ट्रेड्समैन करके आए एग्जाम क्यों नहीं दोगे, एग्जाम तो देंगे, एग्जाम देने के लिए फिजिकल करके आए, ट्रेड्समैन करके आए, राजस्थानी भाषा में बोलूं तो गोटा तोड़े है यार, गोटा जब तोड़ते हो तो भाई जाहिर सी बात है एग्जाम से देंगे ना, इसमें तो पेन चलाना है दिमाग चलाना है, तो गोटे तोड़ते तो क्या फर्क पड़ता है। दोस्तों आप ही कौन सी ट्रेड में सबसे ज्यादा कट ऑफ जा सकती है, कौन सी ट्रेड में सबसे ज्यादा बच्चे हैं, जैसा कि आपने भाई जोन वाइज देख चुके हो, कितने कौन से है क्या, तो ये तो सब कुछ देख चुके हो, पर मैं आपको आपको ट्रेड बता रहा हूं, एक आपकी सफाई कर्मचारी और एक आपकी है कुक, दो ट्रेड ऐसी है जिनमें आपकी अच्छी खासी कट ऑफ जा सकती है, कुक है और आपका एसके, बार्बर की आपकी थोड़ी सी आ जाएगी बल्कि आपकी इतनी हाई नहीं जाएगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मेरे दोस्तों एंसर की कब तक आएगी, तो एंसर की आपको 2 तारीख तक आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे एंसर की आएगी आपके भाई का वीडियो आ जाएगा, किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है, किस तरीके से आपको आईक्यू रैंक के ऊपर अपना स्कोर चेक करना है, क्योंकि यदि आप आईक्यू रैंक पर अपना स्कोर चेक नहीं करते हो तब आप एक बहुत बड़ी गलत फैमिली में रहते हो, क्योंकि आईक्यू रैंक ऐसा एक वेबसाइट है या ऐसा आप मान लो कि डेवलपमेंट है जिसके अंदर अपना एंसर की का लिंक डालते अपना सेफ स्कोर सब कुछ आ जाता है, अपना अपना जो भी सेपरेट जो भी हमने किया है वो सब कुछ आपको सही सही डाटा दिखा देता है। बात करें मेरे दोस्तों कट ऑफ की, देखो मैं आपको कट ऑफ एक सेपरेट रूप से बता रहा हूं, यदि आपके यहाँ पर 65 से लेकर 70+ नंबर है तो आप एक कुक के अंदर सेफ जोन में हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितने ही आपके बंदे हो, कितनी सी कैटेगरी हो, कोई से भी जोन से आते हो, कोई भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा यदि आपके 65 से 70 नंबर तक है, हमें भगवान नहीं मेरे पीछे चक्कर नहीं घूम रहा है कि भाई 65 से 70 बता दो, 65 से 70 ही होगा, हो सकता है ये 64 भी हो जाए और हो सकता है 73 भी हो जाए, तो एक दो नंबर के ऊपर नीचे कोई नहीं पहुंच सकता। बात करें आपके इसकी, तो इसका आपका 70 नंबर से 72 नंबर तक,
बात करूं बार्बर की तो 60 से लेकर 65 नंबर तक जिस भाई के है तो वो बंदा आराम से निकाले। अदरवाइज जो भी आपकी ट्रेड्स बची हैं, जो भी आपकी ट्रेड्स बची हैं उनकी एक सेपरेट में स्कोर लेकर चलूं तो भाई मैं एवरेज लूं तो आपका यहां पर 60 प्लस जिसके भी नंबर है वो आराम से इसमें क्वालिफाई करेगा और एंसर की के बाद भी आपको एक सेपरेट डाटा मिल जाएगा जिसके अंदर मैं बता दूंगा आपको कि कौन सी कैटेगरी कौन सी ट्रेड में हो, तो पूरा डाटा यहां पर डाल दूंगा और पूरा डाटा डालने के बाद में आपके लिए लेकर वीडियो आऊंगा। तो ये चीज आप ध्यान रखना मेरे दोस्तों, यदि आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप अच्छे खासे हो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी तैयारी अच्छी है कि इसमें नंबर ना है तो अगले में होगा, पर होगा आपका सिलेक्शन जरूर। यदि आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो कोई आपको सिलेक्शन से नहीं रोक सकता। ठीक है दोस्तों, ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूंगा मैं, बाकी देखो आपको मैं एक चीज यहाँ पर डाटा बता चुका हूँ, बाकी जो भी कोई अपडेट होगी सीएसएफ कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन हो चाहे ड्राइवर हो चाहे एचसीएम हो, इन सब की आंसर इससे रिलेटेड अपडेट होगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में निजानर साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम दोस्तों।